हेलो दोस्तों, नया साल में आप सभी को स्वागत है। और नए साल पे पूरी दुनिया में रूसिया बहुत ही सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आ गया है सभी हाइपरसोनिक मिसाइलें की बाप जो है रूसिया की अवनगार्ड। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में जानेंगे आखिरकार यह हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे खतरनाक क्यों माना जा रहा है। दोस्तों, जहाँ ज़्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइल्स 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पाने को ही जूझती रहती है, वही अवनगार्ड मिसाइल आवाज से 27 गुना स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। 27 मैक की स्पीड यानी कि लगभग 35000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब यह मिसाइल दुश्मन देश की तरफ बढ़ती है, इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, फिर चाहे वो थार हो या फिर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम हो, इस मिसाइल को रोक पाना किसी की बस की बात नहीं है। दोस्तों, कोई ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है जो सामने से आ रहे अवनगार्ड मिसाइल की स्पीड को मैच कर सके। अगर मान भी लो कोई ऐसा सिस्टम है जो 27 मैक की स्पीड वाली अवनगार्ड मिसाइल को ट्रैक कर सके, तो भी इसके रास्ते को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये मिसाइल इतनी तेज स्पीड पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके की कलाबाजियां खा सकती है, मैनेवर्स कर सकती है। अवनगार्ड एक ग्लाइड करने वाली मिसाइल है। इससे पहले एक ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से आकाश में काफ़ी अधिक ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। वहां से अवनगार्ड मिसाइल अलग हो जाता है और 27 मैक की स्पीड से ग्लाइड होते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। अवनगार्ड को रूसिया की स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती है और ये मिसाइल बहुत अधिक क्षमता वाले विस्फोटक के अलावा ताकतवर न्यूक्लियर हथियार को भी ले जाने के लिए बनाई गई है। इसे बनाने के पीछे रूसिया का एकमात्र उद्देश्य यह था कि एक ऐसी मिसाइल को बनाया जाए जो अमेरिका की बढ़ती हुई ताकत को एक पल में ही रोक दे। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे एक बार फायर किया गया तो इसे रोक पाना अमेरिकी एयर डिफेंस के लिए असंभव हो जाएगा। मार्च 2018 में रूसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐलान कर दिया था कि यह अवनगार्ड मिसाइल अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। इसके सभी टेस्ट हो चुके हैं और इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल मुख्य रूप से किसी ग्राउंड बेस्ड टारगेट को या मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। इस अवनगार्ड मिसाइल के कुछ संख्या में स्ट्रेटेजिक लोकेशन में डिप्लॉय हो जाने के बाद अमेरिका किसी भी तरीके से रूसिया के साथ लड़ाई करने की सोच भी नहीं सकेगा, क्योंकि अमेरिका को पता रहेगा कि उसकी हर मिसाइल वो S-400 और S-500 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक देंगे। लेकिन अगर रशिया की तरफ से अवनगार्ड जैसी 27 मैक स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल आई और वो भी न्यूक्लियर हथियार के साथ, तो उसे कोई भी अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले नहीं रोक पाएगा। अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर तक है और ये 2 टन वाली मिसाइल वातावरण के ऊपरी हिस्से में जमीन से लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई पर ट्रैवल करना शुरू करती है। इतनी ज्यादा स्पीड पर अवनगार्ड मिसाइल का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी गर्मी से ही ये खुद ही ना मेल्ट हो जाए, इसके कारण इसे प्रोटेक्टिव हीट शील्ड से सुरक्षित रखा जाता है। बताया जाता है कि अवनगार्ड के 1990 से 2018 तक लगभग 14 टेस्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, वैसे तो अमेरिका भी काफी समय से इस प्रकार हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। वही रूसिया ने बहुत सारे सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं जो न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। जहां अमेरिका 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड वाले इंजन बनाने में लगा हुआ है, वही रूसिया ने 27 मैक यानी कि लगभग 3500 किलोमीटर प्रति घंटे वाली मिसाइलें बना ली है। अमेरिका की मौजूद पैट्रियट या थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसियन S-400 जितना कारगर नहीं है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अमेरिका अब रूसिया से पिछड़ने लगा है और इसी कारण रूसिया की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए काटसा जैसे विवादित एक्ट्स का सहारा लेकर दुनिया भर के देशों को रूसियन हथियार खरीदने से रोका जा रहा है। दोस्तों, रूसिया ये हाइपरसोनिक मिसाइल बना के सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।